बाद मैं इसको क्यूब की शेप में कट कर लूँगी। एप्पल को मैंने रफली क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन लिया, पैन के अंदर मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया और अब मैं इसमें ऐड करूँगी एप्पल। तो अब इसमें एप्पल ऐड करने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम पे रख कर और इसको कवर करके हम 10 से 20 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। इसको कवर करने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है और मैं इसको 10 से 20 मिनट्स के लिए बॉईल करूँगी। एप्पल अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं, मैंने डिश आउट कर लिया। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी और ब्लेंड करने के बाद इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनेगा। ब्लेंड करने के बाद मैंने एप्पल्स की प्यूरी को बेबी बाउल में कन्वर्ट कर लिया। एप्पल की प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है। ये बहुत हेल्दी फूड है, 6 से 9 मंथ्स के बेबी भी ले सकते हैं और 9 से 10 मंथ्स के बेबी को भी आप ये प्यूरी दे सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, बेबीज के लिए बहुत हेल्दी फूड है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।